हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू कर रखा है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है बात कर ली थी बच्चों, किस तरीके से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई, ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, या फिर आणविक द्रव्यमान क्या होता है, आणविक ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो ये सब कुछ बच्चों हमने काफी कुछ जो है प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर देखा नहीं है, उसको जाके जरूर देख लें। इसके बाद बच्चों आज हम बात करेंगे मूल संकल्पना की। किस चीज की बच्चों बात है? मूल कॉन्सेप्ट की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हेडिंग डाल दीजिए मूल कॉन्सेप्ट या मूल संकल्पना। क्या बोला बच्चों? मूल संकल्पना। मूल संकल्पना से रिलेटेड जितने भी दुख दर्द होंगे वो सारे इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे आपके। मूल संकल्पना, मूल कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों आज जो है सारा का सारा मोल कॉन्सेप्ट को जान लेना है, क्योंकि ये मोल बहुत परेशान करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि मोल होता क्या है। मोल बच्चों हमने जब वहां पर जो है एसआई यूनिट पढ़ी थी, तो 7 एसआई यूनिट पढ़ी थी, जिसमें से एक क्या था बच्चों? पदार्थ की मात्रा, जिसे किसमें ले रहे थे? मोल में। तो पदार्थ की मात्रा का जो एसआई यूनिट था बच्चों क्या था? मोल। तो एक्चुअल में बच्चों मोल क्या होता है? मोल पदार्थ की मात्रा का बताने वाला मात्रक, पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला मात्रक। ठीक। दूसरी चीज क्या है बच्चों? जो मोल होता है वो पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, आयन, अणु आदि की मात्रा को बताने वाला मात्रक है। क्या बोला बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, आयन, अणु आदि को बताने वाला मात्रक है। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, परमाणु या फिर अणु को बताने वाला, ये बताने वाला मात्रक, बताने वाला मात्रक, जिसे क्या बोला जाता है बच्चों? मोल। तो बच्चों हमने जो है जब परमाणु द्रव्यमान पढ़ा था, तो वहां पर हमने बात की थी, कोई हमने मानक लिया था, कोई क्या फिक्स किया था? पैरामीटर फिक्स किया था, स्टैंडर्ड पैरामीटर लिया था। तो वो क्या था बच्चों? जो मानक लिया गया, क्या लिया गया है? कार्बन 12 का समस्थानिक, C12 समस्थानिक, कार्बन 12 का समस्थानिक, कार्बन 12 का समस्थानिक। तो अब इसे कार्बन 12 समस्थानिक के आधार पर ही जो है मोल की परिभाषा दी जाती है। तो मोल की परिभाषा जो एक्चुअल में होती है बच्चों, वैसे तो मोल एक संख्या है, मोल क्या है बच्चों? संख्या है। मोल एक्चुअल में क्या है बच्चों? एक नंबर है, संख्या। ठीक। मोल होता क्या है बच्चों? कि किसी पदार्थ का एक मोल, कोई पदार्थ है उसका हमें क्या चाहिए? एक मोल। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण, क्या बोला? किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। समझते हैं? लिख लेते हैं पहले। किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल
उसकी वह है मात्रा होती है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो ये क्या है बच्चों, मोल की परिभाषा, मोल की डेफिनेशन। तो ये क्या है, एक नंबर है हमारे पास। तो अब हम जो है यहां पर एक मोल जो नंबर होता है उसका मान निकालते हैं। जैसे बच्चों हमें जो है कॉमन में उदाहरण दो, जैसे हमें बोला जाता है कि एक दर्जन केला, तो हम सीधे उस एक दर्जन से क्या समझ लेते हैं कि 12 केलों की बात हो रही है। तो मतलब एक दर्जन भी क्या है बच्चों, अपने आप में एक नंबर है। क्या बोला, एक दर्जन केला। तो एक दर्जन केला का मतलब कि 12 केले आएंगे। या फिर जैसे सपोज दैट, मतलब यहां पर क्या है कि एक नंबर है, ऐसी जैसे मैं बोलूंगा एक मोल कुछ भी, एक मोल जैसे केला बोला, तो एक मोल जिसके बराबर होगा उतने ही केले की बात होगी। तो बच्चों यहां पर जो है हम क्या करेंगे, हम एक मोल का मान निकालेंगे, जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो मानक किसको माना गया बच्चों यहां पर, कार्बन 12 समस्थानिक को। तो एक्चुअल में बच्चों यहां पर होता क्या है, कार्बन 12 समस्थानिक को तो मान लिया है। जैसे जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी, जब हम परमाणु द्रव्यमान देख रहे थे, तो परमाणु द्रव्यमान को जब मापा जाता है तो एक्चुअल में मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होता है, उसकी सहायता से परमाणु का द्रव्यमान निकाला जाता है। क्या बोला, मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से क्या किया जाता है, कोई भी सैंपल है हमारे पास उसका क्या निकाला जाता है, परमाणु का द्रव्यमान। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से क्या है बच्चों, एक कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, क्या बोला, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, ये प्रैक्टिकल से, तो वो जो निकल के आता है बच्चों वो आता है 1.99 × 10⁻²⁰ ग्राम। ये किससे आया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। किससे निकाला बच्चों, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से। डिवाइस होती है जो क्या बनता है, कोई भी सैंपल है उसके द्रव्यमान की गणना करता है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से जब प्रैक्टिकल किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान निकल के कितना है, 1.99 × 10⁻²⁰ ग्राम। अब सपोज दैट बच्चों हमारे पास जो है एक्स परमाणु है, कितने बच्चों, एक्स परमाणु, मतलब टोटल जो कार्बन का द्रव्यमान होता है हमारे पास वो कितना होता है, 12 ग्राम होता है। तो सपोज दैट बच्चों एक्स कार्बन परमाणुओं का कितना, एक्स जो है एक्स कितने के बराबर होता है, 12 ग्राम के। तो कार्बन का द्रव्यमान आता है वो कितना आता है, 12 ग्राम आता है। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम। तो सपोज दैट हम मान रहे हैं कि कितने परमाणु हैं, एक्स परमाणु कार्बन का, या फिर ऐसा लिखो कार्बन के एक्स परमाणु का द्रव्यमान ये आया। तो हमें क्या करना है बच्चों, एक्स की वैल्यू निकालनी है कि कितने परमाणु वहां पर मौजूद है।
किसमें? 12 गुणों में। यही तो बोल रहे परिभाषा, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जिसमें कि कार्बन 12 समस्थानी के 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या, जितने की कार्बन 12 समस्थानी के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो बच्चों 12 ग्राम में हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, परमाणुओं की संख्या। मुझे पता है कि 1.99 × 10⁻²³ ग्राम में कितना है, एक परमाणु है कार्बन का। तो एक ग्राम में कितना हो जाएगा बच्चों, एक ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/1.99 × 10⁻²³ ग्राम। तो एक ग्राम में कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणुओं की संख्या एक ग्राम में, तो कितना हो जाएगा, एक ग्राम में हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 1/1.99 × 10⁻²³। ये कहां आ जाएगा, बटे में कहां आ जाएगा, और क्या आ जाएंगे यहां पर, परमाणु आ जाएंगे, 1.99 × 10⁻²। तो 12 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, ये एक ग्राम में कितने परमाणु आएंगे, कितने आए, तो 12 ग्राम में कितने आ जाएंगे, 12 ग्राम में जो आएंगे बच्चों वो क्या हो जाएगा, 12 ग्राम के साथ गुणा हो जाएगा, यही होगा। तो 12 ग्राम में क्या हो जाएगा, 12/1.99 × 10⁻²। और क्या आ जाएगा, कार्बन के एटम परमाणु, एक एक नियम लग रहा है, क्या लग रहा है बच्चों, एक एक नियम। तो जब इसको सॉल्व किया जाता है बच्चों तो ये आता है आपका 6. ये सॉल्व करके क्या आता है बच्चों, 6.022 × 10⁻²³ परमाणु। और यही क्या है बच्चों, यही क्या है, मोल है, एक मोल का मान यही है, ये क्या है बच्चों, जिस संख्या की हम बात कर रहे थे वो यही है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, एक मोल क्या आई, संख्या, एक मोल क्या हुआ बच्चों, एक मोल क्या है, संख्या, और उस संख्या का मान क्या निकाला हमने, जो एक मोल संख्या है वो किसमें उपस्थित है, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। तो 12 ग्राम में कितने आ गए, इतने आ गए, क्या आया, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु, और ये कितने आए, 6.022 × 10⁻²³ परमाणु। तो ये निकल के आया बच्चों जो एक मोल का मान होता है, किसका बच्चों, एक मोल का मान, ये कितना था यहां पर, 12 ग्राम था, इस तरीके। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमें पता था कि हमें स्पेक्ट्रोमीटर से, मास स्पेक्ट्रोमीटर से क्या पता था, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो ये कितना आया, 1.99 × 10⁻²। तो मैं एक ग्राम में परमाणु की संख्या निकाल सकता हूं, कितना, 1/1.99 × 10⁻²³। सपोज दैट हमारे पास क्या थे, एक्स परमाणु थे किसके, कार्बन के, और उनका जो टोटल द्रव्यमान आता है वो कितना आता है, 12। तो अब हमें यहां पर जो है, हमें जब एक ग्राम में पता चल चुका है कि कितने परमाणु है, तो हम आसानी से 12 ग्राम में निकाल सकते हैं। तो आसानी से 12 ग्राम में क्या निकाल सकते हैं, 12/1.99 × 10⁻²³ का डिवाइड करेंगे, जो सॉल्व करके आता है 6.022 × 10⁻²³ परमाणु। तो इतना बड़ा नंबर है बच्चों ये, क्या बोला, 6.022 × 10⁻²³, इतना बड़ा नंबर है। तो बच्चों इतना बड़ा नंबर होने का मतलब, हम कुछ इस प्रकार की कल्पना करो कि आपके पास ना इडली है, इडली खाया होगा आपने, इडली, तो वो इडली मतलब मैं अगर इकट्ठा करता जाऊं, अगर मेरे पास इतनी इडली हो कि मैं यहां जहां मैं खड़ा हूं यहां से शुरू कर दूं, कहां तक चला जाएगा वो इडली का ढेर, वो चला जाएगा सूर्य तक, इतना बड़ा नंबर है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, एक मोल, केमिस्ट्री के हिसाब से क्या, छोटा नंबर ही तो है, एक मोल जल,
मतलब एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक मोल में जो है वहां पर क्या है अणुओं की संख्या कितनी है। तो कहने का मतलब बच्चों ये क्या है मोल के बारे में। इसके बाद बच्चों देखते हैं किस तरीके से मोल समीकरण बनाई जाती है। तो बच्चों अभी हमने बात की कि एक मोल का जो मान है वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो बच्चों इसके बाद जैसे मैंने क्या बोला मेरे पास जो है एक मोल क्या हो गया संख्या हो गया। अगर मैं कहीं भी एक मोल की बात कर रहा हूं तो एक मोल का मतलब क्या है कार्बन 12 समस्थानिक को मैंने आधार बनाया है और उस कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या जो है वही क्या है एक मोल का मान है जो कि कितना है बच्चों 6.022 × 10⁻²³ परमाणु। मैं अगर बच्चों कुछ भी ले रहा हूं एक मोल कुछ भी बोला जाता है, मैंने जैसे बोला एक मोल समोसा तो एक मोल समोसा का मतलब क्या बच्चों की 6.022 × 10⁻²³ समोसे के परमाणु कुछ भी। तो बच्चों जैसे मैंने क्या बोला एक दर्जन केला बोला तो इसका मतलब क्या होता है 12 केले। तो ऐसे ही बच्चों जैसे क्या बोला एक दर्जन बराबर क्या होता है हमें पता है अगर एक दर्जन कुछ भी है एक दर्जन क्या है कुछ भी हो सकता है केला हो सकता है पेन हो कुछ भी की जगह जैसे पेन हो गया पेंसिल हो गया केला हो गया कुछ भी केले या फिर ये मान के चलो कि समोसा है तो हम सीधा जो है क्या बोलते हैं एक दर्जन कुछ भी पेन पेंसिल केला समोसे का मतलब क्या है कि 12 केले या फिर पेन या फिर पेंसिल या फिर जो भी चीज है मतलब क्या समोसा। तो ये किसका मतलब होता है एक दर्जन। उसी प्रकार से हमारे पास क्या है एक मोल भी एक नंबर है तो एक मोल समोसा है जैसे मेरे पास क्या है एक मोल समोसा। तो एक मोल समोसा का मतलब क्या होगा बच्चों 6.022 × 10⁻²  समोसे के अणु या परमाणु समोसे के परमाणु या अणु। ठीक तो कहने का मतलब यहां पर सबसे ज्यादा क्या है बच्चों कि हमें ना मोल समीकरण बनानी आनी चाहिए। क्या बनानी आनी चाहिए बच्चों मोल समीकरण क्योंकि इसी मोल समीकरण से आपके सवाल होंगे और बहुत आसान है कोई भी कर सकता है बहुत ही आसान। तो ये मोल समीकरण किस तरीके से बताई जाती है बच्चों जैसे हमारे पास एक मोल कुछ भी दे रखे हैं क्या बोला मैंने मेरे पास क्या बच्चों एक मोल कुछ भी। अब यहां केमिस्ट्री में ना तो समोसे की बात होगी ना पेन की बात होगी ना पेंसिल की बात होगी ना केले की बात होगी। केमिस्ट्री में बात होगी या तो परमाणु की बात होगी या अणु की बात होगी है ना। तो कहने का मतलब बच्चों एक मोल कुछ भी बराबर होगा किसके 6.022 × 10⁻²। कुछ भी के अणु हो या फिर परमाणु कुछ भी के या तो अणु हो बच्चों या फिर परमाणु कुछ भी के परमाणु या फिर अणु। ठीक इसके बाद बच्चों एक मोल कुछ भी तो ये जो नंबर है इसके बराबर होगा संख्या के बराबर और ये जो बराबर होता है बच्चों कुछ भी के अणु भार या परमाणु भार जो हमने कुछ भी ले रखा है कुछ भी मतलब अणु हो सकता है परमाणु कुछ भी के परमाणु भार या फिर किसके अणु भार के बराबर। इस तरीके से जो है ये ध्यान रखना है और इससे आपके जो है ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ये रामबाण है ठीक है बच्चों रामबाण है। अब समझ लें कि किस तरीके से मैं जो है यहां पर बोलना चाह रहा हूं। जैसे बच्चों मेरे पास क्या बोला गया कि एक मोल हाइड्रोजन है एक मोल क्या है बच्चों हाइड्रोजन ये तो इस एक मोल हाइड्रोजन के लिए मुझे क्या लिखनी है मोल समीकरण। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों 6.022 × 10⁻²  हाइड्रोजन के क्या परमाणु हाइड्रोजन
परमाणु। क्या लिखूंगा बच्चों? हाइड्रोजन परमाणु। और ये बराबर होगा बच्चों इस हाइड्रोजन के परमाणु भार के। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? एक ग्राम हाइड्रोजन, एक ग्राम हाइड्रोजन। तो इस तरीके से मोल समीकरण लिखो। सपोज दैट बच्चों मेरे पास क्या गया? एक मोल H2 आ गया। क्या आ गया? एक मोल H2। तो मुझे पता है एक मोल H2 क्या हो गया? अणु हो गया। तो एक मोल H2 में क्या हो जाएगा बच्चों? 6.022 × 10⁻²⁰ H2 अणु। बोला था कुछ भी के परमाणु या अणु, कुछ भी का परमाणु भार या अणु भार, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों H2 का अणु भार। H2 का अणु भार 2H है, क्या हो जाएगा? 2 ग्राम H2। इसी प्रकार से बच्चों हम ऑक्सीजन के लिए लिख सकते हैं। किसके लिए बच्चों? ऑक्सीजन के लिए। जैसे बच्चों मेरे पास है एक मोल O, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? परमाणु है यहां पे 6.022 × 10⁻²। ऑक्सीजन परमाणु, ये बराबर हो जाएगा बच्चों ऑक्सीजन का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु भार के, तो 16 होता है। 16 ग्राम किसके? ऑक्सीजन। ऐसे ही जैसे बच्चों इसी बेसिस पर हम लिख सकते हैं एक मोल मेरे पास अगर क्या दिया गया है O2, तो ये बराबर होगा बच्चों 6.022 × 10⁻²। O2 अणु आएगा। अरे O2 क्या है? अणु। H2 क्या है? अणु। हाइड्रोजन क्या है? सिंपल परमाणु। ऑक्सीजन क्या है? सिंपल परमाणु। और ये बराबर होगा बच्चों O2 अणु का अणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 × 32 ग्राम O2। 32 ग्राम O2। कहने का मतलब बच्चों आपके पास कुछ भी एक मोल दिया गया है, तो कुछ भी एक मोल का मतलब क्या होता है? वो बराबर होगा किसके? इस नंबर के, 6.022 × 10⁻²। अब कुछ भी अगर अणु है तो अणु लिखेंगे, परमाणु है तो परमाणु लिखेंगे, और वो बराबर होता है उसके आणविक या परमाणविक द्रव्यमान। तो बच्चों इसके बाद मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, जो ये नंबर है इतना बड़ा नंबर 6.022 × 10⁻², ये जो नंबर है बच्चों इसको बोला जाता है अवोगाड्रो संख्या। क्या बोला? अवोगाड्रो। क्या बोल दो? अवोगाड्रो, अवोगाड्रो संख्या। पर इसे डिनोट किया जाता है बच्चों NaCl। इससे डिनोट किया जाता है बच्चों NaCl। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है? मोल समीकरण लिखी जाती है। इस मोल समीकरण को अच्छे से करना है। इसके बाद बच्चों एक दो समीकरण और बनाते हैं। इसके बाद बच्चों जैसे एक मोल H2 है, क्या है? एक मोल H2O। तो एक मोल H2O बराबर किसके हो जाएगा बच्चों? एक मोल H2O के लिए समीकरण बनाओ NaH2O अणु के। Na का मतलब क्या है? अवोगाड्रो संख्या। मैं सीधे डायरेक्ट Na लिख रहा हूं। Na का मतलब क्या है बच्चों? 6.022 × 10⁻², H2O अणु। ये तो अब Na लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। अभी क्या बोला? अवोगाड्रो संख्या का मान जो ये है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं? Na से। और ये बराबर हो जाएगा बच्चों किसके? H2O का अणु भार। तो कितना होता है? 16 ऑक्सीजन का होता है और 2 किसका होता है? हाइड्रोजन का। यहां पे तो 2 हाइड्रोजन है, कितना हो जाएगा? 18 ग्राम H2। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है? ये समीकरण बनाई जाती है। अब जैसे बच्चों हम एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, एक दो क्या देखते हैं? सवाल देखते हैं। फर्स्ट है बच्चों 36 ग्राम, क्या बोला? 36 ग्राम जल में, 36 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या क्या निकालना है? जल के मोल निकालने, जल के मोल निकालने। तो बच्चों मोल का हमारे पास सूत्र भी होता है। मोल बराबर क्या होता है? एक मोल समीकरण के साथ मोल बराबर होता है बच्चों दिया गया भार और बटे
अणु भार, लिया गया भार बटे अणु भार। या तो इससे सॉल्व कर लो, ये सूत्र होता है हमारे पास, किसी का भी मोल निकालना है तो उसका जो दिया गया भार होता है उसको बटे में क्या कर देना है, अणु भार कर देना है। दिया गया भार बटे अणु भार, तो मतलब जो दिया गया द्रव्यमान है, द्रव्यमान बटे क्या होता है अणु। तो बच्चों जैसे इसको सॉल्व करता हूं तो दिया गया जो द्रव्यमान है वो कितना है, 36 ग्राम, और जो अणु भार होता है जल का, H2O का अणु भार कितना होता है, 18 ग्राम प्रति मोल। अणु भार कितना होता है, 18 ग्राम प्रति मोल। अणु भार का मात्रक क्या है, ग्राम प्रति मोल। तो बच्चों मैं मोल निकाल सकता हूं, मोल बराबर क्या हो जाएगा, 36 ग्राम दिया गया है और बटे में 18 ग्राम प्रति मोल आया है, तो ग्राम से ग्राम कटा 18 दूनी क्या हो गया 36, ये मोल ऊपर पलट जाएगा, कितना मान आया, दो मोल आया, कितना आया, दो मोल। तो एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का किसी भी सूत्र से, दूसरा आसान तरीका बताता हूं बच्चों, ऐसा समझो कि जैसे घरेलू तरीका है, दूसरा आसान तरीका है, क्या बच्चों, दूसरा बहुत ही आसान तरीका, क्या बोला, 36 ग्राम H2O में H2O के क्या निकालने हैं, मोल, क्या निकालने हैं, मोल। तो मित्रों यहां पर हम मोल निकालेंगे, तो मोल निकालने के लिए क्या करना है मित्रों, यहां पर जो है मोल समीकरण बनानी है, क्या बनानी है, मोल समीकरण। तो मोल समीकरण देखते हैं बच्चों, यहां पर मुझे मोल समीकरण जब भी मेरे को सवाल आ रहा है तो क्या करना है बच्चों, यहां पर सबसे पहले एक मोल के लिए बनाओ समीकरण, जैसे 36 ग्राम H2O में H2O के मोल निकालने, तो H2O के लिए बनाओ समीकरण, किसके लिए बनानी है बच्चों, H2O के लिए। तो एक मोल H2O बराबर किसके हो जाएगा, Na कितने, 6.022 into 10^23 H2O अणु, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, H2O का जो अणु भार है कितना है बच्चों, 18 ग्राम H2O। तो अब खुद बताओ बच्चों कि एक मोल H2O बराबर है इतने के, और एक मोल H2O बराबर है किसके, 18 ग्राम H2O के, मतलब एक मोल H2O बराबर क्या है बच्चों, 18 ग्राम H2O। तो खुद बताओ बच्चों कि 36 ग्राम H2O में कितना हो जाएगा, चलो 18 ग्राम H2O में कितना है, एक मोल H2O, तो मुझे इसको 36 ग्राम बनाना होगा, कितने की गुणा कर दूंगा, 2 की, तो क्या हो जाएगा, 36 ग्राम H2O और बराबर किसके, 2 मोल H2O के, आंसर कितना आ गया, 2 मोल। वाह मजा ही आ गया जी, मजा ही आ गया। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है, न्यूमेरिकल करने, इसमें एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। तो बच्चों जैसे हमारे पास दूसरा सवाल है कि 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालना है, क्या निकालना है, 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान, मजा ही आ गया, वाह। तो बच्चों या तो ये सूत्र लगा लो, अणु भार में पता होता है ऑक्सीजन का कितना है, 16, 2 मोल दे रखे हैं, यहां पर क्या आ जाएगा, जो भार में निकालना है इससे निकाल पाऊंगा, जैसे इसमें देखो 2 मोल दे रखा है, मोल की जगह 2 रखा, दिया गया भार मतलब जो निकालना है मान लो कितना है x, और अणु भार कितना होता है बच्चों, अब यहां पर अणु भार नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, परमाणु भार, क्या होगा बच्चों, परमाणु भार। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना आ गया, 16, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32 ग्राम। वाह। तो बच्चों अब हम जो है वही जुगाड़ू तरीके से करते हैं, मैंने क्या बोला बच्चों कि जब भी आपके पास मोल कॉन्सेप्ट का सवाल आ रहा है तो वहां पर क्या करो, मोल समीकरण बनाओ। सपोज दैट यहां पर क्या पूछ रखा है,
ऑक्सीजन के लिए पूछ रखा है, तो उस ऑक्सीजन के लिए एक मोल की समीकरण बनाओ। एक मोल की क्या बनानी है? समीकरण। तो एक मोल ओ ओ ओ बराबर किसके हो जाएगा? आऊगा तो संख्या के, वाओ, 2 × 10^23 ऑक्सीजन परमाणु। और ये बराबर हो जाएगा बच्चों किसके? एक मोल ऑक्सीजन बराबर किसके, और बराबर किसके हो जाता है? अणु भार या परमाणु भार के। तो परमाणु भार ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। तो अब खुद बताओ एक मोल ऑक्सीजन बराबर है किसके? 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। खुद बताओ बच्चों हमें निकालना क्या है? दो मोल में, तो मैं कितने की मल्टीप्लाई करूं इसमें? दो की। तो 2 मोल ऑक्सीजन बराबर 32 ग्राम ऑक्सीजन। वाह, उससे निकालो इससे निकालो, आंसर सेम। आंसर क्या आएगा बच्चों? सेम। इसके बाद बच्चों यहां पर आपको जो है एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं। हमने जो है पीछे बच्चों जब रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े थे तो वहां पर हमने एक अवोगाद्रो का नियम पढ़ा था। तो अवोगाद्रो का नियम जो है बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे, क्या बोला? किसी तापमान पर था, तापमान कितना था बच्चों? 298 केल्विन। दाब कितना था? एक वायुमंडलीय दाब। तो कहने मतलब एक वायुमंडलीय दाब और 298 केल्विन तापमान पर अलग अलग गैसों के समान आयतन में, मतलब गैसें अलग अलग हो लेकिन जो उनका आयतन होगा वो क्या होगा? समान। तो अलग अलग गैसों के समान आयतन में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो क्या होती है? समान होती है। और वो परमाणुओं की संख्या कितनी आती है बच्चों? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो जब वहां पर देखा जाता था बच्चों जो समान आयतन निकलता था वो कितना आता था? 22.4 लीटर। मतलब किसी गैस के एक मोल द्वारा एनटीपी पर जो घेरा गया आयतन, क्या बोला बच्चों? किसी, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, पीछे गए नियम पढ़ा हमने, किसी गैस के एक मोल द्वारा, किसी गैस के एक मोल द्वारा एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, एनटीपी मतलब जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 298 केल्विन, और जो प्रेशर होगा 1 ATM होगा। एनटीपी पर घेरा गया आयतन कितना होता है बच्चों? 22.4 लीटर। वाह, तो यही अवोगाद्रो का नियम था। एक मोल में कितने होते हैं परमाणु संख्या? 6 जो अवोगाद्रो संख्या होती है। तो कह रहे हैं किसी गैस के एक मोल का मतलब क्या है बच्चों? Na 6.022 × 10^23 द्वारा एनटीपी पर जो घेरा गया आयतन होगा 22.4 लीटर, मतलब 22.4 लीटर अलग अलग गैसे भी हो चलेगा। क्या बोला? तापमान और दाब की समान परिस्थितियों, समान परिस्थितियां किस तरीके से? टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक। तो इसको समझने के लिए आपको ना लेक्चर नंबर जो है ये मान के चलो आपकी 11वां देखना पड़ेगा अवोगाद्रो का नियम, तो उसमें आप जाके जो है सर्च कर सकते हो, देख लेना उसको। तो वहां पर क्या है कि एनटीपी पर यानी कि टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 ATM पर जो वहां पर अलग अलग गैसों का समान आयतन लेने पर, अलग अलग गैसों का समान आयतन जैसे कि 22.4 लीटर में जो अणुओं की संख्या होती थी वो कितनी होती थी? 1 मोल। तो वही है। तो अब यहां पर बच्चों मैं आपको जो है सीधे ऑल ओवर समीकरण देता हूं, किस तरीके से ऑल ओवर समीकरण लिख के देता हूं, जो मोल समीकरण है किस तरीके से लिखी जाती है, पूरी मोल समीकरण, मोल समीकरण। जैसे बच्चों मेरे पास जो है एक मोल कुछ भी है, क्या है बच्चों? एक मोल कुछ भी, तो एक मोल और मैंने यहां पर क्या बना दिया? क्वेश्चन मार्क। कुछ भी हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है। ये बराबर होगा बच्चों किस चीज के? Na के। किस चीज के? Na।
किस चीज के होगा बच्चों, एनए, और एनए बराबर है बच्चों क्वेश्चन मार्क है जो भी बराबर होगा 6.022 × 10³ जो भी दे रखी है ये बराबर होगी बच्चों किसके, ये बराबर होगी आपको परमाणु भार या फिर अणु भार की, परमाणु भार या फिर अणु भार। अगर परमाणु ले रखा होगा तो परमाणु देखना है और अगर अणु ले रखा होगा तो अणु भार देखना है। और ये बराबर होगा बच्चों किस चीज के, 22.4 लीटर जो भी हमने दिया है। इस तरीके से समीकरण बनानी है, इस तरीके से क्या करना है बच्चों समीकरण बनानी है। जैसे मेरे पास जो है एक मोल क्या है बच्चों सल्फर है, ये इसके लिए मैं समीकरण बना रहा हूं, ये बराबर हो जाएगा बच्चों 6.022 × 10³ सल्फर, और सल्फर क्या है बच्चों परमाणु, सल्फर परमाणु, ये बराबर होगा परमाणु भार कितना होता है सल्फर का 32 ग्राम सल्फर के, और ये बराबर होगा बच्चों 22.4 लीटर सल्फर के, 22.4 लीटर सल्फर के। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या किया जाता है मोल समीकरण बनाई जाती है। अब मैं आपको जो है सीधे फॉर्मूले लिखाता हूं, क्या लिखाता हूं बच्चों फॉर्मूले, जैसे बच्चों मोल बराबर है, मोल बराबर होता है बच्चों एक तो होता है भार बटे जो दिया गया भार है, भार बटे या तो परमाणु भार होगा या फिर अणु भार जो दिया होगा जिस हिसाब से, एक फॉर्मूला तो ये लिख क्या है। दूसरा फॉर्मूला है बच्चों मोल बराबर, मोल बराबर होता है परमाणु या दी गई परमाणु या अणुओं की संख्या, क्या बोला बच्चों परमाणु या फिर अणुओं की संख्या, और बटे में क्या आएगा अवोगाद्रो संख्या एनए, क्या आ जाएगा एनए अवोगाद्रो संख्या। अगला सूत्र होता है बच्चों हमारे पास, तीन सूत्र निकल के आएंगे यहां से, तीसरा सूत्र होता है मोल बराबर दिया गया गैस का आयतन जो ऊपर आ रहा है किसमें अंश में, वो दी गई मात्रा आ रही है, तो दिया गया आयतन, दिया गया आयतन, और बच्चों बटे में क्या जाएगा, क्या जाएगा 22.4 लीटर। ये तीनों फॉर्मूले आपके लिए जो बहुत ही कारगर साबित होंगे। अब मैं जैसे बच्चों से एक ही फॉर्मूले में लिखता हूं, एक ही फॉर्मूले में, क्योंकि सारे फॉर्मूले किसके हैं बच्चों मोल के, सारे फॉर्मूले किसके हैं मोल के। तो बच्चों देखना है यहां पर मोल बराबर क्या क्या आएगा, एक तो आएगा बच्चों दिया गया भार बटे या तो परमाणु दे रखा है तो परमाणु भार आएगा, और अगर अणु अणु दे रखा है तो उस अणु का द्रव्यमान आएगा अणु, ठीक बराबर मोल का ही सूत्र है दी गई परमाणुओं की संख्या, क्या बोला दी गई परमाणु संख्या या फिर अणु संख्या, और बटे में क्या आ जाएगा अवोगाद्रो संख्या मतलब एनए का मान 6.022 × 10³ क्या जाएगा 6.022 × 10³ परमाणु या फिर अणु जिसके भी हो मतलब एनए, क्या आएगा यहां पर एनए आओ, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों आयतन बटे गैस का, गैस का, गैस का आयतन बटे 22.4 लीटर। बस ये ध्यान में रखना है आपके जो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारे के सारे हो जाएंगे। एक तो मोल समीकरण से बताया, क्या क्या बोला बच्चों एक मोल समीकरण लगता है, क्या लगता है सूत्र लगते हैं, क्या होता है सूत्र लगते हैं। इसके बाद बच्चों हम जो है दो सवाल देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं दो सवाल,
तो दो सवाल देखते हैं बच्चों। पहला हमारे पास 64 ग्राम O2 में O2 के मोल निकाल रहे हो, दूसरा क्या 12.04 × 10^23 है, H2 अणु में H2 के मोल निकालने, क्या निकालने H2 के मोल। तो पहला वाला देखते हैं बच्चों, 64 ग्राम O2 में या तो मोल बराबर सूत्र लगाओ, क्या है मोल बराबर दिया गया भार, दिया गया भार और बटे कौन सा अणु भार वाला जिस सूत्र की हमें जरूरत है। तो बच्चों मोल निकालना है हमें, दिया गया भार कितना है 64 ग्राम और अणु भार कितना होता है बच्चों O2 का 32 ग्राम प्रति मोल, ग्राम से ग्राम कटा 32 बनी क्या हुआ 64, मतलब मोल कितना आ गया बच्चों 2 मोल आ गया, आंसर कितना आ गया 2 मोल। एक तरीका तो ये हुआ, कितना मोल आया बच्चों 2 मोल आया, एक तरीका क्या हुआ ये हुआ कि 2 मोल O2 क्या गया। दूसरा तरीका क्या बच्चों कि मैं मोल समीकरण बनाऊं, मोल समीकरण, मोल समीकरण। तो मोल समीकरण किस तरीके से होगी बच्चों, 1 मोल O2 बराबर किसके होता है अवोगाद्रो संख्या के, और वो बराबर होता है किसके, हमें जो है क्या दे रखा है यहां पर द्रव्यमान दे रखा है, तो ये किसके 1 मोल O2 बराबर हो जाएगा 6.022 × 10^23 O2 अणु, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों किसके परमाणु सॉरी अणु द्रव्यमान के, अणु भार कितना होता है O2 का, एक ऑप्शन का 16 तो 2 का 32 ग्राम O2। तो जब मुझे पता है 1 मोल O2 में 32 ग्राम O2 है तो मुझे 64 ग्राम O2 में मोल निकालने, तो मतलब 1 मोल इसकी जरूरत नहीं है हमें, 1 मोल O2 बराबर क्या हो जाएगा 32 ग्राम O2 के, तो मुझे किस में निकालना है 64 ग्राम में, तो 32 को 64 बनाना पड़ेगा, कितने की मल्टीप्लाई 2 की, तो 2 मोल O2 बराबर आ जाएगा किसके, किसके आ जाएगा 32 × 64 ग्राम O2 में, तो आंसर 2 मोल O2, आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 2 मोल O2। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल 12.04 × 10^23 H2 अणु में H2 के मोल, तो हमें पता है बच्चों मोल और अणु की संख्या में जो फॉर्मूला होता है, मोल बराबर होता है परमाणु या फिर अणुओं की संख्या जो दे रखी है क्वेश्चन में की संख्या, और बटे में क्या आता है बच्चों Na, मतलब 6.022 × 10^23 अणु या परमाणु या अणु। तो अब मोल निकालना है हमें, दी गई अणुओं की संख्या कितनी है 12.04 × 10^23 और बटे में क्या आ जाएगा 6.022 × 10^23 23 से 23 कटा, इससे कितनी बारी कट जाएगा 2 बारी, तो मोल कितने आ जाएंगे बच्चों 2 मोल आ जाएगा, किसका 2 मोल H2 याद रखना। अगर मुझे मोल समीकरण से सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है बच्चों मोल समीकरण से, उससे भी कर सकते हो आसान करके देखते हैं, दोनों तरीकों से करा रहे हो मोल समीकरण से और इससे भी। तो मोल समीकरण से किस तरीके से होगा, सबसे पहले मैं 1 मोल H2 के लिए समीकरण बनाऊंगा, 1 मोल H2 बराबर किसके होगा 6.022 × 10^23 H2 अणु की, इसी की जरूरत है हमें, सिर्फ इसी की जरूरत है। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो मुझे कितने में चाहिए, इतने में चाहिए, कितने में चाहिए इतने में, मतलब यहां पर जो है H2 अणु में H2 के मोल निकालने, तो 1 मोल H2 बराबर इतना है, तो 12 कितना है ये 0.4 में, तो इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा 12.04, मतलब एक H2 अणु बराबर क्या हो जाएगा ये अणु H2, अणु H2 हो जाएगा, अणु H2 का, तो एक अणु H2 बराबर कितने मोल हो जाएंगे यहां पे 1 मोल H2 बटे एक ही नियम लगा लो 6.022 × 10^23 आगे बटे में,
अब जब एक अणु एच टू बराबर इतने 12.04 गुणा के 10^23 एच टू अणु बराबर क्या हो जाएगा? अरे गुणा कर देंगे गुरु, 12.04 × 10^23 अपॉन में क्या आ जाएगा 6.022 × 10^23 कटा कितना आ गया 2 मोल एच टू, इससे 2 बारी कर जाए। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर न्यूमेरिकल करने हैं। इसके बाद अभी हम जो है और न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।